है रुक नहीं रही है, अभी बहुत सारे लोगों ने नारे लगा कर दिया। जो बिजनेस है उसको क्या है कि वो एक चट्टान सी थी बाउंड्री के अंदर घुसते उसको पकड़ लिया और वहाँ से भी उसको एक ब्लड पड़ा और एक चप्पल भी देखी हुई। फिर वो पब्लिक गई वहाँ से तो उसको 100-150 आदमी करीब थे तो उसको ढूंढा तो वो वहाँ से करीब 100 मीटर के करीब दूर उसकी डेड बॉडी मिली और वहाँ पर कुछ हिस्सा उसके एक दो टुकड़े में मिला। वहाँ देखा तो टाइगर 10 फीट दूरी पर डेड बॉडी से बैठा था। आवाज़ करना, कई तरीका की आवाज़ निकालना, लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ, वो बैठा रहा। तो 4 गाड़ियाँ साथ साथ रेस लेकर के उसकी तरफ थोड़ी चलाई, चला करके डेड बॉडी पर से हटाने, थोड़ा सा हटके गया, मैं गाड़ी में से उतर के गया तो मेरे जो है खींच के उसको लेके आया। एक बार थोड़ा सा उसने जो है अपना वो दिखाया और उतर के दोनों डेड बॉडी को जो है गाड़ी में। हम ट्रैकिंग करते हैं, इधर से आया था एकदम टाइगर, हमको देखा तो उसको डराना लग कर एकदम हमला, हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमला करने पर हम पाल की गर्दन पकड़ तोड़ के उसको डाल दिया और हम तुरंत उसको उठा के और गाड़ी में लेके अस्पताल पहुंचा। पीछा से वो वापस किल पा गया, उसको किल को देखना लगा, खून को चाटने लगा तो एक चिपची आई उसको पीछे भग लिया। तो उसका अनुभव भय लगता है, कभी हमको जंगल में कभी आते टाइगर ने हमला नहीं किया, ऐसे हमला किया तो ये टाइगर नहीं रहना चाहिए, ये बाहर जाने के लिए काबिल है। जैसे बिल्कुल इधर दब के चल रहा है, ये देख रहे हैं क्या चीज़ है, अभी टीचर इसने मेरे पिताजी को खाया है, उनकी वजह से टीचर इसको यहाँ से निकाल दिया गया है। मेरा पति और मैं बहुत दुखी थी, मेरा परिवार भी बहुत दुखी था इसके लिए। मैं रामपाल का बड़े भाई का लड़का हूँ, वो उनकी बैरियर पे ड्यूटी थी सर, और बैरियर पे 10 साल से बैरियर पे ड्यूटी थी। T24 का ही था टाइगर, तो ऑटोमेटिक जैसे आदमी दिखता है तो ऑटोमेटिक मेरे को 15 साल हो गए सर साइड में हो जाता है, या छुप जाता है, बैठ जाता है, कुछ करता है, लेकिन ये छुपता नहीं है। कि टाइगर का मूवमेंट जो होता है तो हमको सामने से दिखाई देता है 5 फीट पे 10 फीट पे, तो वो रास्ता क्रॉस कर लेता है, साइड में हो जाता है। और टी चॉइस का इतना मूवमेंट है कि आदमी दिखे क्या, इतनी दूर से झपट्टा मारता है, अगर हम जल्दी से पेड़ पे नहीं चढ़े या अपने माची मचान गाली रहती है हमारे खेत पे उसमें नहीं भाग के चढ़े तो हमारे ऊपर भी हमला कर दे। वो देखा 20 फुट दूरी पे छुप के बैठा सर, कान लफा के, फिर मैंने मुड़ के देखा तो हम पर चार्ज करने की वो ही, फिर लट से हमने ऐसे करके निकले सर, इस रोज भी हम पे चार्ज कर देते। अभी ये 30 तारीख की बात है सर, टाइगर वो 24 हमको भी मारता है और गांव वाला उनको मार दिया तो गांव वाला डबल हमको मारते हैं सर, कि तुम्हारा जानवर हमको खा गया। जिस दिन रामपाल वाले को जिस दिन पे खाया टाइगर उस दिन भी यहाँ खेड़ में पानी पी के गया गांव के अंदर आकर के। वो डेली पेपर में आ रहा है कई धरना दे के बैठे, तुम लोगों को उनसे पूछो जाकर के, उनकी उनके अगर खाता ना उनका परिवार को टाइगर, तुमको पता लगता कि क्या होता है। टाइगर वहीं रहना चाहिए, हम पूरा परिवार पूरा गाँव सब दुखी थे, सरकार भी दुखी थे, बातचीत नहीं आनी चाहिए। हमारा तो यह है कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और सरकार से भी निवेदन कि ये नहीं आए, अगर आ गया तो हम फिर ग्रामीण वाले आंदोलन करेंगे या फिर जंगल के आग लगा देंगे, या टाइगर को भी हमको मारना पड़ जाए चाहे जेल में जाना पड़ जाए, अगर टी चॉइस आ गया तो चाहे जेल में चले जाएंगे हम।